वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी आज की वीडियो होने वाली है बैग हॉल। पर्सनली मुझे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली हैंड बैग्स, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बैग हॉल्स आपके साथ शेयर किया जाए। रिसेंटली मैंने अमेजोन से बहुत सारी बैग्स ऑर्डर किया है, उसमें से कुछ बैग्स मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन मैं उनका पिक्चर ज़रूर शेयर कर दूँगी। और कुछ बैग्स जो ऑलरेडी मुझे रिसीव हुआ है वो बस बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फटाफट हॉल शेयर किया जाए, क्योंकि अमेजोन में बहुत अच्छी सेल भी चल रही है, तो इस टाइम में आप इन्हें चेकआउट करोगे तो आपको और भी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना फर्स्ट बैग को शेयर करती हूँ। सो इस हॉल को स्टार्ट करते हैं एक यूजफुल बैग के साथ, जो मुझे लगता है सबको पसंद आने वाली है, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मुझे ये बैग सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लैक है, तो गंदे होने के कोई भी चांसेस नहीं है, मतलब गंदा तो होगा, दिखेगा नहीं एक्चुअल में जो भी हो। और साथ साथ इसके जो बेल्ट्स हैं, यू कैन सी ये बहुत ही मल्टी कलर बेल्ट्स है, और इसके वजह से ये जो बैग है इसका ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। और ये काफ़ी स्पेशियस है, यू कैन सी थोड़ा बहुत टोट बैग की तरह इसका पैटर्न है, लेकिन टोट बैग में बेसिकली आपको जिप नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको बड़ा सा एक जिप मिल जाएगा। और इनर साइड में ज़्यादा कुछ पॉकेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ही आसानी से एटलीस्ट दो कॉपीज, डायरी, एक वाटर बॉटल, इन सारी चीज़ों को तो ले ही सकते हो। या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो, आपको छोटा मोटा चीज़ लेना पड़ता है, तो भी मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इवन मॉम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा, जिनको डायपर बैग यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टफ़ आपको रखना पड़ता है, तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इस बैग को यूज़ कर सकते हो। और इसका जो मटेरियल है, ये देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाटर प्रूफ है या फिर वाटर रेजिस्टेंस है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन तो सही से नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि मानसून आने ही वाली है। और एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली बैग है। मुझे लगता है ये अंडर 500 की होगी, 300 या फिर 400 के आसपास होगी। सो इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट है ये मल्टी कलर की बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैंड बैग कम स्लिंग बैग। ये स्लिंग बैग भी है क्योंकि इसके अंदर आपको स्लिंग भी मिल जाएगा। लेट मी शो यू। सो ये इस कलर का स्लिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आप चाहे तो स्लिंग को अटैच करके भी ले सकते हो, अदरवाइज इसे एज अ हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो मुझे ये छोटू सा पाउच टाइप का जो बैग है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है मैं पर्सनली इसे ज़्यादा इस तरीके से कैरी करने वाली हूँ। सो ये जो कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। ऐसे आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे इसमें, आई थिंक येलो, ऑरेंज, इस टाइप का भी कुछ कलर्स था, जो कलर्स काफ़ी अच्छे थे। और इसकी क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, लेकिन चेन की क्वालिटी मुझे उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही है। स्पेशली चेन जब मुझे रिसीव हुआ था, अभी तो बिल्कुल पक्का सही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टेरा मेरा सा था, आई थिंक, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बस ऐसा फील हो रहा था कि चेन शायद सही से रन नहीं होगा, लेकिन हो गया, जो भी हो। और ये जो बैग है मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज टाइप के पर्सन है, जिनको मेरी तरह एक ही जगह पे सारा चीज़ ठूसना अच्छा नहीं लगता, जो सारे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने सारी चीज़ें रखते हैं, मतलब एक में फ़ोन रख दिया, एक में छोटे मोटे मेकअप स्टफ़, दूसरे में अपनी टिश्यू वगैरह रख देती है, तो वैसे लोगों के लिए ये बैग काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको 3 सेक्शन मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में अपनी सारी चीज़ों को रख सकते हो। देन है ये ब्राउन कलर की स्लिंग बैग। सो इस बैग को लेने के पीछे 2 मेन रीज़न था, एक था इसका कलर और सेकंड था इसकी चेन। बेसिकली मुझे गोल्डन कलर की चेन की बैग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, रिसेंटली मैं कुछ ऐसा ढूंढ भी रही थी और मुझे अमेजोन में बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई किया जाए। और इसकी क्वालिटी सच कहूँ तो बहुत अच्छा है, जितना प्राइस मैंने पे किया है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड यू कैन सी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी वो चीप क्वालिटी का नहीं लग रहा है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसमें यहाँ पे जो डिज़ाइन बना हुआ है ये भी काफ़ी क्लासी है, बिल्कुल भी चीप सा नहीं है। और इसमें आपको अंदर के सेक्शन में 2 पार्ट्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ एक जिप भी मिल जाएगा, तो अगर आप अलग से पैसों के लिए कोई पाउच कैरी नहीं करते हो तो जिप के अंदर आप पैसों को रख सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को सिर्फ अपना फ़ोन, छोटा मोटा मेकअप, इतना ही कैरी करने का होता है, उनके लिए परफेक्ट एक हैंड बैग एंड स्लिंग बैग है। आप कुछ इस तरीके से भी इसे कैरी कर सकते हो या फिर एज अ स्लिंग बैग इस तरीके से भी
जल्दी से कैरी कर सकते हो और इसमें भी आपको कुछ कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ये बैग है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और इससे पसंद करने के पीछे दो मेन रीजन थी। एक तो है इसकी वाइब्रेंट कलर एंड जो सेकेंड रीजन है वो है इसकी शेप। एंड यू कैन सी इसका जो शेप है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये जो बैग है ये ज़ोक लंदन की है और इनके क्वालिटी के बारे में मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनका 3 बैग बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ और तीनों की क्वालिटी अभी तक ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अभी भी मैं उन्हें यूज़ कर पाती हूँ। जबकि बहुत सारे बैग्स ऐसा होते हैं जिन्हें आप 2-3 मंथ्स कैरी करने के बाद उनका हालत ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है नहीं यार इस पर दया करो इसको छोड़ दो, लेकिन ज़ोक लंदन के बैग के साथ आपका ऐसा नहीं होगा। आप बहुत लंबे टाइम तक इन्हें यूज़ कर सकते हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी और इसका शेप यू कैन सी कितना ज़्यादा प्यारा है। तो ऐसे जो शेप्स होते हैं ना ये बहुत पहले मिलते थे, आई थिंक मेरी मम्मी के टाइम पे मेरी मम्मी का ऐसा कोई पर्स मैंने देखा था और अभी के टाइम में जब ये शेप फिर से वापस आया ना ट्रेंड में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ट्राई करूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये सिंपल सा बैग है। यू कैन सी पीछे के साइड में आपको एक जिप मिलेगा जहाँ पे आपको फटाफट कुछ रखना होता है छोटा मोटा तो आप रख सकते हो। और जो मेन सेक्शन है वो कुछ इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है लेकिन इसका शेप बहुत ज़्यादा अच्छा है और छोटे मोटे चीज़ें तो आप कैरी कर ही सकते हो इसमें। देन है वन ऑफ माय फेवरेट बैग ऑफ दिस हॉल और वो है ये स्ट्रॉ बैग। यू कैन सी ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, कितना ज़्यादा प्यारा है। जब भी आप इसे कैरी करोगे ना सबकी नज़र आपके ऊपर होगी कि बैग कितना क्यूट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप की स्ट्रॉ बैग्स। इवन ये कंप्लीट प्लास्टिक बैग में रैप होके आया था और जब मैंने इसे ओपन किया ना एक बहुत अच्छी सूदिंग स्मेल आ रही थी, बेसिकली वो अभी भी आ रही है, वो नेचर की स्मेल है, एक्चुअली नेचर की मतलब बैम्बू की स्मेल है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये जो बैग है इसमें आप छोटे मोटे चीज़ें कैरी कर सकते हो लेकिन इसमें कोई भी चेन वगैरह नहीं है, जिप नहीं है, तो सिक्योर वे में आप कुछ नहीं रख सकते हो, लेकिन ये फोटोग्राफ्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर आप बाहर जा रहे हो बहुत फैंसी स्टाइलिश कुछ आपने पहना है तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। आप सिक्योर वे में सारी चीज़ों को तो रख नहीं सकते हो क्योंकि इसमें जिप नहीं है, लेकिन ये सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और मुझे लगता है आपको डेफिनेटली इस टाइप का कुछ अमेज़ॉन से ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि इस टाइप की चीज़ें इससे पहले बहुत ज़्यादा शीन में मिलती थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, लेकिन अमेज़ॉन में ये बिल्कुल भी उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा आपको। आई थिंक 700 या फिर 800 का मैंने लिया है और अगर आप बैग के शौकीन हो तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। सो इस बैग के साथ ऐसा एक थैंक यू कार्ड भी आया है, तो जब भी कोई ऐसा ब्रांड थोड़ा सा एफर्ट लगाता है अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड फील कराने की तो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो बैग है इसका जो ब्रांड है वो है हेबरी इंडिया। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको इस टाइप की बैग को जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपको फैंसी चीजें अच्छी लगती है तो। देन जो बैग है वो है ये स्लिंग बैग, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सच कहूं तो स्लिंग बैग से मेरा मन उठ ही गया था। लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने इतने सारे स्लिंग बैग्स ट्राई किए, खरीदे, यूज किया और उसके बाद मुझे फिर लगने लगा था कि मुझे और स्लिंग बैग नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी और स्लिंग बैग यूज नहीं करना, बट इसे देखने के बाद मैंने अपना मन जो है वो बदल लिया है। सो ये जो स्लिंग बैग है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये इस तरह के गोल्डन चेन के साथ आता है और उसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेदर का जो फिनिश है वो मिल जाएगा ताकि आपके शोल्डर में पेन ना हो सो और बैग जो है वो सही तरीके से रहे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा गोल्डन चेन होता है तो मैंने देखा वो ज्यादा फिसल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे और इस बैग की जो क्वालिटी है सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना पिक्चर्स में बहुत अच्छी दिखती है, क्वालिटी भी सही लगता है लेकिन इन रियल नहीं होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन रियल अगर आप इस बैग को सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैग है और बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड वाला वो जो वाइब है ना वो इस बैग से आ रहा है। इवन इस बैग की पैकेजिंग भी सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इवन ये जो बैग है इस टाइप के एक कॉटन के थैली में आया था, जब भी आप कोई लग्जरी बैग खरीदते हो ना तो आप क्योंकि उसका पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है, वो इस टाइप के कॉटन के थैली के अंदर बहुत अच्छे से रैप होके आता है, तो ये भी बहुत अच्छे से रैप होके आया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका पैकेजिंग। इसका जो ब्रांड है वो है इसली लोकाडा, मुझे सही से ब्रांड का नेम प्रोनाउंसिएशन मैंने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा स्लिंग बैग जैसा होता है, आपको उतना ही स्पेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने ऑलरेडी अपनी कुछ चीज़ें इसके अंदर डाल के रखा है क्योंकि मैंने इसे यूज़
करना स्टार्ट भी कर दिया है। और इसके साथ अंदर में आपको छोटा सा एक जिप मिल जाएगा जिसके अंदर आप कुछ पैसे वगैरह हो तो उन्हें रख सकते हो सिक्योरली। तो जिन लोगों को स्लिंग बैग बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये बैग मेरी तरफ से ज़रूर एक अच्छी रिकमेंडेशन होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सब मैंने अमेजोन से लिया है क्योंकि अमेजोन में बहुत अच्छे से डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने सोचा वीडियो के लिए क्यों ना वहाँ से ही मैं सारे प्रोडक्ट को ले लूँ। सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। इस हॉल के लिए मैंने और भी बहुत सारे बैग्स ऑर्डर किया था, उन बैग्स की पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी और उनके प्राइस के साथ, लेकिन वो सारे बैग्स अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है तो इसलिए उन बैग को मैं इस हॉल का पार्ट बना नहीं पाई। लेकिन वो बैग्स भी सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो जब भी रिसीव होंगे अगर मैं इसके बाद कोई भी हॉल बनाती हूँ तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी उन हॉल्स में इन बैग्स को भी इंक्लूड करना। सो होपफुली आपने मेरे आज के इस वीडियो को इंजॉय किया होगा। इनमें से कौन सा बैग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है आपके खुद के लिए वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।